हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर वीटीवी में। आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोग का एसबीआई क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन क्लास नंबर टू है ये आप लोग का। फरवरी मंथ का पार्ट नंबर टू है। फरवरी ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पीछे जाएंगे जनवरी में, मार्च में। जैसे कि आप लोग को ज़्यादा न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि लॉकडाउन है, तो आप लोग की चीज़ें सब रुकी हुई है, तो मार्च में ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा नहीं। फरवरी, दिसंबर, जनवरी से ये तीनों मंथ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के। नेक्स्ट, एज़ पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डाटा, इंडिया हैज़ बिन बिकम द डैश लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। क्रूड स्टील का इंडिया कौन सा प्रोड्यूसर हो गया? नंबर टू हो गया। चाइना फर्स्ट है, सेकंड आप लोग का इंडिया है क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर में ऊपर। नेक्स्ट है आप लोग का, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच हैज़ रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली स्पेंडिंग हाउ मेनी डेज इन द स्पेस। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 328 डेज। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ ऑफर्ड टू एक्सटेंड अ $3 बिलियन लोन टू आंध्र प्रदेश फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आंध्र प्रदेश को $3 बिलियन लोन किसने दिया है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, हैज़ लॉन्च न्यू स्कीम दैट इज़ कॉल्ड स्फूर्ति किसने लॉन्च किया है? MSME ने। फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उसका कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, और एफ का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फंड। नेक्स्ट है, दिशा पुलिस स्टेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है, और आंध्र प्रदेश में कौन से जगह में फर्स्ट पुलिस स्टेशन ये स्टार्ट हुआ है आप लोग का? तो आज आप लोग का हो जाएगा राजमहेंद्रवरम, इसी को राजमंड्री के नाम से भी जानते हैं। अगला है, वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विच कंट्री? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला है, इंडिया फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज विल कम अप इन विच सिटी? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। अगला है, द मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ प्रपोज्ड द अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाउ मेनी फिशिंग हार्बर्स इन द कंट्री एज एस्टिमेटेड आउटले ऑफ 2500 करोड़। कुछ नहीं समझना है, फिशिंग हार्बर जहाँ देखे आप लोग, कितने फिशिंग हार्बर, तो आप लोग का आंसर आना चाहिए 25। अगला है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आप लोग को पता होना चाहिए क्लियरली, ठीक है, अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं वो, मनोहर लाल खट्टर जी। अगला जो है आप लोग का, विच स्टेट विल सेट अप 1000 कुटुंबश्री होटल्स प्रोवाइड सब्सिडी मील एट रुपीज़ 25 रुपीज़ में मील्स देने के लिए 1000 कुटुंबश्री होटल्स जो है स्टार्ट किए हैं केरला ने। अगला है, अरुण 3 इज द लेटेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, अरुण 3 जो है वो नेपाल का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल स्टार्ट ऑक्शनिंग ऑफ एलिफेंट हंटिंग लाइसेंसेस एंडिंग अप बैन इम्पोज इन 2014? बैन करना चाहता है एलिफेंट हंटिंग लाइसेंसेस को, तो बोट्सवाना है ये। अगला जो है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दोनों किसने लॉन्च किया? तो आप लोग आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं आजकल। अगला है, विच मेट्रो रेल हैज़ बिकम द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशन मेट्रो प्रोजेक्ट? फर्स्ट तो दिल्ली है, सेकेंड आप लोग का हो जाएगा हैदराबाद। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020 फ्रॉम 10 to 14 फेब अंडर विच थीम? तो आप लोग का MSME के ऊपर आप लोग का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, रॉजर कान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज ऑथर ऑफ विच फेमस बुक? तो आप लोग का हो जाएगा द बॉयज ऑफ समर, रॉजर खान। अगला है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू एवर स्टार्ट द ओलंपिक टॉर्च रैली? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा अन्ना कोरकाकी। अगला है, सिक्स एडिशन ऑफ मेगा इंडस्ट्री एग्जीबिशन इंजी एक्सपो विल बी हेल्ड इन। इंजी एक्सपो क्या? इंजीनियर्स का एक्सपो है, इंजीनियर्स जो अपने अपने मेटल ला के उसमें वहाँ पे शो करेंगे इस एक्सपो में 2020 का। यह कहाँ होने वाला है? गुजरात में होने वाला है। अगला है, द 23rd एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो आप लोग आंसर हो जाएगा मुंबई। अगले, द पुलिस ऑफ विच सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन नकेल? पहले क्वेश्चन, तो ऑपरेशन नकेल कहाँ स्टार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश में, और ये है क्या? तो ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए निकला हुआ है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो ये ऑपरेशन नकेल जो है गाजियाबाद यूपी में स्टार्ट हुआ है। अगला है, हु हैज़ रिसीव्ड द ऑनरेबल मेंशन इन द मेल कैटेगरी ऑफ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओलंपिक्स में, तो ये मिला है पुलेला गोपीचंद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड दैट इज़ HAL हैज़ गॉट अ क्लियरेंस टू मैन्युफैक्चर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH विल रिप्लेस विच हेलीकॉप्टर्स। तो आप लोग आंसर हो जाएगा चीता एंड चेतक। अगला है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हो जाएगा आप लोग का कुशल मल्ला। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ वन द अंडर-19 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश ने जीता है, किसको हरा के, इंडिया को। अगला है, वेन वॉज द नेशनल डिवॉर्मिंग डे ऑब्जर्व। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा फेब्रुवरी 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवॉर्मिंग डे, ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का चल रहा है चीज़ें, तो आप लोग का क्वेश्चन ये बन सकता है फेब्रुवरी 10 का आप लोग का डिवॉर्मिंग डे का। अगला, नसीम शाह हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू टेक अ टेस्ट हैट्रिक। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, नसीम शाह। तो ये आप लोग का है पाकिस्तान से, ठीक है। अगला है जो, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू समिट माउंट अकानगोवा। तो आप लोग का हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वन द 10th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2020। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला है, अंडर एक भारत सशस्त्र भारत कैंपेन लद्दाख अलॉन्ग विद द जम्मू कश्मीर हैज़ बीन पेयर्ड विद विच स्टेट। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। और ये सब देख सकते हैं, पंजाब आंध्र प्रदेश उत्तराखंड कर्नाटक हिमाचल प्रदेश केरल दिल्ली सिक्किम और राजस्थान आसाम। अगला है, विच स्टेट इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट एवर हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा नागालैंड तो करता ही है, और त्रिपुरा आप लोग का सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एवर, पहली बार कर रहा है त्रिपुरा। अगला जो है आप लोग का, ऑस्कर विनर्स की बात किया जाए तो बेस्ट पिक्चर पैरासाइट है, बस और कुछ मत याद रखिए, बेस्ट पिक्चर पैरासाइट ऑफ फॉर ऑस्कर 2020 विनर्स। अगला है, विच टीम हैज़ वन द प्रीमियर बैडमिंटन लीग। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के आप लोग का किसने जीता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बेंगलोर रैप्टर्स ने जीता है। नेक्स्ट है, द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वैरियर। अजय वैरियर किस किस देश के बीच में होता है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में। अगला है, द नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड हैज़ सेटअप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अंडर द विच नेम ऑफ द डेवलपमेंट इन द कोल माइनिंग। कोल माइनिंग से रिलेटेड है सारस। सारस पहली बात है किसने, कोलफील्ड्स के रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड डिक्लेयर्ड विच डेल्टा एज द प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तो कावारी डेल्टा को स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के नाम से दिया गया है, किसने दिया है, तमिलनाडु ने। बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन कौन सा है, कावेरी डेल्टा, और कावेरी डेल्टा कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आप लोग का, हुनर हाट इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री इन बाय विच मिनिस्ट्री। तो हुनर हाट जो है माइनॉरिटी एफर्ट्स की मिनिस्ट्री से होता है लॉन्च। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ वन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन द पुणे। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा आदित्य मेहता। अगला है, विद्या पिल्लई भी आप लोग को पता होना चाहिए, स्नूकर खेलती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद आफ्टर द नेम ऑफ विच लीड पॉलिटिशियन। कौन से पॉलिटिशियन जिनका देहांत हो गया उनके ऊपर नाम रखा जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अरुण जेटली जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट आप लोग के, वर्ल्ड उनानी डे इज ऑब्जर्व इन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो आप लोग आंसर का हकीम अजमल खान। अगला है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2019 FIH वुमेन हॉकी के वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा लाल रेम सही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीदर इज अ न्यू एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो आप लोग का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीदर न्यू एयरपोर्ट एक कर्नाटक और नया पोर्ट बनने वाला है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा, बीदर जो है नया एयरपोर्ट इन कर्नाटक। कावालान SOS इज ए पॉलिस ऐप ऑफ विच स्टेट। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट राइस रिसर्च सेंटर हैज़ कम अप विद ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस कॉल्ड मुक्तोश्री। मुक्तोश्री क्या है, राइस है, कहाँ का, मुक्तोश्री में, वेस्ट बंगाल का राइस प्रोडक्ट है नया। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन द साइंस इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 11 फरवरी। क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है, साइंस से रिलेटेड है, तो 28 फरवरी को साइंस डे बनाया जाता है, और 11 फरवरी को आप लोग का वुमेन एंड गर्ल्स इन द साइंस इंटरनेशनल डे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू वुमेन। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा फेसबुक।
अगला है आप लोग का द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो आप लोग आंसर हो जाएगा गांधीनगर। विच नेक्स्ट है विच टीम वॉज प्रेजेंटेड विद द ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो आप लोग आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वॉट इज द ऑफिशियल नेम गिवन टू द डिसीज कॉज बाई द न्यू कोरोना वायरस बाई WHO, दैट इज COVID-19, क्योंकि 2019 में आया है। को मतलब कोरिना, कोरोना, वाई वी आई मतलब वायरस और डी मतलब डिसीज। नेक्स्ट है गोरेला पेंड्रा मोरवाही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, 28th डिस्ट्रिक्ट है ऑफ विच स्टेट, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 28 हो गया, 28वां कौन सा है, गोरेला पेंड्रा मरवाही, तीनों एक ही का नाम है, तीनों अलग नहीं है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए कमेंट्री एंड द डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, तो के खंडेलवाल। नेक्स्ट है नेशनल विंटर गेम्स विल बी हेल्ड एट विच प्लेस फ्रॉम मार्च 7, तो आप लोग कौन सा गुलमार्ग। नेक्स्ट है द 33rd अफ्रीकन यूनियन समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो आदिस अबाबा, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ वन द अलन बॉर्डर मेडल फॉर द 3rd टाइम, तो डेविड वार्नर को मिला है अलन बॉर्डर मेडल, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये। नेक्स्ट है आप लोग का जो है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर ब्लाइंड एथलीट टू फिनिश द आयरन मैन एथलीट, आयरन मैन ट्राइथलॉन बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें सारे चीज़ होते हैं, स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, रनिंग होता है, तो इसको कंप्लीट करने वाले फर्स्ट ब्लाइंड एथलीट कौन है, निकेत दलाल। अगला है इससे पहले भी बहुत लोग कंप्लीट किए लेकिन फर्स्ट एथलीट जो कि ब्लाइंड है, तो निकेत दलाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ब्रांड इमारा। इमारा एक क्या है, एक क्लोज का एक मतलब कपड़ों का एक साइट है, सूट्स मिलते हैं, साड़ीज मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, तो करीना कपूर खान जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर है, पहले करीना कपूर थी, अब करीना कपूर खान हो गई। नेक्स्ट आप लोग का जो है नेशनल वुमेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम, तो वुमेंस डे जो है ऑब्वियस ही बात है सरोजनी नायडू जी के ऊपर है आप लोग का। प्रवर्स भारती केंद्र हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर विच लेट यूनियन मिनिस्टर, तो ये आप लोग का जो है सुषमा स्वराज जी के ऊपर आप लोग का नाम रखा गया है, उनका भी ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे हमारे पूर्व, अगला इनका भी देहांत हो गया। नेक्स्ट आप लोग का है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द आंगन फाउ होनबा प्रोग्राम, तो आप लोग आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर टू विच इंडियन नेवी शिप, तो आप लोग आंसर हो जाएगा INS शिवाजी। नेक्स्ट है विच इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द UK's न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप लोग हो जाएगा ऋषि सुनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिलीज ए न्यू वेराइटी ऑफ रबर रेजिस्टेंट डिसीज लो टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिसीजेस तो एट लो टेम्परेचर, तो आप लोग का त्रिपुरा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग के फेब्रवरी का पार्ट 2 क्लास में है आप लोग का, टोटल शायद 4 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट में इसको कम्प्लीट करना है। फेब्रवरी के क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके SBI मेंस के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 19 अप्रैल को आप लोग का मेंस है, पोस्टपोन होने की कगार में है, तो देखते हैं पोस्टपोन होने का पूरा चांसेस दिख रहा है, मई में होने के चांसेस है, लेकिन आप लोग पास टाइम कम रहेगा अगर आप लोग को बताएंगे तब, इसलिए अभी से तैयारी रखना है। तो फरवरी का ये पार्ट नंबर 2 था, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, एंड पार्ट नंबर 1 भी हमें डाल चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।